हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग करेंगे 2 मार्च 2020 के बेस्ट करंट अफेयर। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। आज शाम को मुझे वीडियो अपलोड करना पड़ रहा है, संभवतः कल से मैं मॉर्निंग में वीडियो अपलोड करूंगा। बीते दिनों कौन सा देश महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पाद देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये देश है जी स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड का मैं लोकेशन दिखाऊँगा। उससे पहले ये जानिए आपके स्कॉटलैंड के मंत्री हैं मेनिका लेलन, और उन्होंने प्रस्ताव रखा और ये प्रस्ताव 122 सदस्यों के मंजूरी से पास हो गया है। स्कॉटलैंड के कैपिटल है एडिनबर्ग, लेकिन लार्जेस्ट सिटी यहाँ पर ग्लास्को है जी, और ग्लास्को में ओलंपिक भी हुआ था, ठीक है ना। बीते दिनों किसने कृषि और फार्मा उत्पादों के प्रसंस्करण को भंडारण के लिए दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट आधारित तापमान नियंत्रण सुविधा एक्सपोर्ट कोल्ड जोन को लॉन्च किया है? तो ये किया गया है जी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, ठीक है, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति किस देश के चितेसु वतनबे का 112 साल की आयु में निधन हो गया है? तो ये जापान के थे जी, और इनकी मृत्यु हो गई। इनका फोटो देखिए, ये 112 साल के थे। जापान की राजधानी टोक्यो है, ठीक है। चलिए, शिंजो आबे वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। बीते दिनों किस संपादक का नाम सबसे ज़्यादा भाषाओं में फिल्मों को संपादित करने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है? तो ये हैं श्रीकर प्रसाद। आप इनका फ़ोटो देख रहे होंगे, इन्होंने कुल 17 भाषाओं के फिल्मों में काम किया है जी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों किसने मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये हैं हरसिमरत कौर बादल, और इन्होंने जो पोर्टल लॉन्च किया है उस पोर्टल को आप देख सकते हैं जी, ठीक है। और इनके पास जो मंत्रालय है वो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है जी, ठीक है, उसके मंत्री हैं ये। भारत के क्रेडिट रेटिंग पर जानकारी मुहैया कराने वाली सबसे बड़ी कंपनी सिविल ने किसे अपना नया MD और CEO नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त करने की घोषणा किया है जी किसको, राजेश कुमार को, ठीक है ना। सिविल के बारे में जानेंगे। सिविल के मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना इसके अगस्त 2000 में किया गया था, ठीक है ना, तो आप सिविल के बारे में याद रखेंगे। बीते दिनों किसने अजय बंगा को CEO पद से हटाकर बनाया कंपनी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये किया है जी मास्टर कार्ड। मैं आपको बता चुका हूँ, आपको याद होगा, ये अजय बंगा हैं और इनको अब CEO से हटा करके कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। मास्टर कार्ड की स्थापना 1966 में किया गया था। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है जी, US में, ठीक है ना। मास्टर कार्ड दक्षिण एशिया के अध्यक्ष हैं पोरस सिंह। तो मास्टर कार्ड के बारे में आपको इतनी जानकारी मिल गई। चलिए, बीते दिनों किसने अपने निर्वाचन क्षेत्र राजस्थान के कोटा में सुपोषित माँ अभियान का शुभारम्भ किया है? तो ये हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, ठीक है। ओम बिरला को आप फोटो में देखिए, इसका शुभारंभ करते हुए, ठीक है ना। यह अभियान गर्भवती महिलाओं को और किशोरियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने और उन्हें स्वास्थ्य रखने के लिए शुरू किया गया है। बीते दिनों किस राज्य के खरगोन जिले के कसरावद में अनूठी मिर्ची महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो अगर आपको पता है खरगोन जिला कहाँ है तो आपको पता चल गया होगा, मध्य प्रदेश, ठीक है ना। ये आप इससे रिलेटेड एक फ़ोटो देखिए। यहाँ पर एक्चुअली ये मिट्टी मिर्ची इकट्ठी की जाती है इस उत्सव में। चलिए, बात मध्य प्रदेश की आई है तो राजधानी भोपाल है। 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। लालजी टंडन राज्यपाल हैं और कमलनाथ मुख्यमंत्री हैं जी, ठीक है ना। यहाँ के उच्च न्यायालय जबलपुर उच्च न्यायालय है, लेकिन खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर का है। बीते दिनों क्रमिक जन शिकायत और पेंशन मामलों के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पेंशन अदालत और राष्ट्रीय पेंशन योजना के जागरूकता और शिकायत निवारण कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इन्होंने किया जी जम्मू में, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर चूंकि एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है तो उसके उपराज्यपाल और प्रशासक हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, और इसके राजधानी श्रीनगर है। लद्दाख के लेह है। बीते दिनों किस स्टार टेनिस खिलाड़ी ने ATP मैक्सिको ओपन के फाइनल में टेलर फिट्ज़ को हराकर इस साल का पहला खिताब जीत लिया है? तो ये हैं, इनका फ़ोटो देखिए, ये हैं राफेल नडाल, ठीक है ना। राफेल नडाल स्पेन के हैं जी, इन्होंने, ये इनका कैरियर का 85वां ATP टूर खिताब है।
और तीसरी बार इन्होंने ATP 500 का खिताब अपने नाम किया है। महिलाओं की बात किया जाए तो हीतर बाटसन ने कनाडा के खिलाड़ी लेला को हरा करके खिताब नाम किया है अपने। बीते दिनों भारतीय रेलवे ने पश्चिम बंगाल के किस रेलवे स्टेशन पर अपनी चलती फिरती खान पान सेवा रेस्टोरेंट ऑन व्हील का शुभारंभ किया है, तो यह पश्चिम बंगाल में किया गया है और आसनसोल रेलवे स्टेशन पर किया गया है जी, ठीक है ना। तो पश्चिम बंगाल में आसनसोल रेलवे स्टेशन, वहाँ पर रेस्टोरेंट ऑन व्हील का शुभारंभ किया गया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और वहाँ की राजभाषा बांग्ला है। 23 जिले हैं जी। ममता बनर्जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जगदीप धनखड़ राज्यपाल हैं। बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल से तीन देश सीमा बनाती है जी, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। अगर राज्य की बात किया जाए तो कुल पाँच हैं, असम, सिक्किम, उड़ीसा, झारखंड और बिहार, ठीक है ना। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, आगे बढ़ते हैं और लेते हैं जवाब सवाल 312 के। बीते दिनों पूरे देश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया जी 28 फरवरी को। अब हम लोग फरवरी मंथ के पूरे इम्पोर्टेंट डेट को एक बार रिवीजन करेंगे जी फटाफट, तो आप भी रिवीजन कर लिया कीजिए, मैंने आपको कल बताया था रिवीजन करने के लिए। चलिए हम सब करते हैं फरवरी माह का रिवीजन। तो फरवरी में सबसे पहला जो डेट आता है वो होता है 2 फरवरी, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। फिर 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, ठीक है, और उसके बाद आता है 6 फरवरी, 6 फरवरी को जीरो टॉलरेंस दिवस मनाते हैं। उसके बाद आती है सीधा 10 फरवरी को, 10 फरवरी को हम लोग वर्ल्ड पल्सेस डे मनाते हैं, विश्व दाल दिवस। फिर आता है 11 फरवरी और उस दिन मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना होगा। 12 फरवरी को फिर हम लोग मनाते हैं नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, मतलब राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। उसके बाद आता है बारी 13 फरवरी की, 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे और नेशनल वुमेन्स डे भी मनाते हैं, ठीक है। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे, आप सबको याद रहता है, आप लोग में से कोई नहीं भूलेंगे इसे। 20 फरवरी वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है। उसके बाद बारी आती है 21 फरवरी को, 21 फरवरी को मनाते हैं इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ठीक है। फिर 24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे, ठीक है, और उसके बाद आता है 28 फरवरी, बहुत इम्पोर्टेंट, नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं आज का सवाल, सवाल 313। बीते दिनों नैस्कॉम ने किसके सहयोग से भारतीय स्कूलों के छात्रों के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मॉड्यूल लॉन्च किया है, तो आप इसका आंसर कीजिए और CBSE NCERT के बारे में भी बताइए। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।